Hello and good morning, classics. Today we are going to read English reader. Okay? क्या पढ़ेंगे? English की book पढ़ेंगे. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग English में? Chapter 6, गंगा the holy river. ठीक है, गंगा जो है एक पवित्र नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं. ओके, प्रीवियस में आपको पता होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है ना. अब हम जो है यहाँ पे पहुँचे थे लास्ट में, प्रीवियस में, कि द स्ट्रीम दैट फॉलोड भागीरथ वाज सो ब्यूटीफुल. जो धारा जो है निकली थी, सात धारा, उसमें से जो है तीन जो है ईस्ट में गई, तीन वेस्ट में गई, और एक जो है कहाँ गई, भागीरथ के पीछे गई, जो कैसी थी, बहुत ब्यूटीफुल थी. चल ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज. दैट ऑल द गॉड्स असेंबल टू सी इट, और उसको क्या किए, सारे सभी देवता इसे देखने के लिए जो है इकट्ठे हो गए. ठीक है, भागीरथ देन परफॉर्म द होली राइट्स फॉर हिज 60,000 एनसेक्टर्स. ठीक है, एनसेक्टर्स, हाँ, क्या बोल रहा है, जो धारा बही थी भागीरथ के पीछे पीछे, वो क्या हुई, वो बहुत सुंदर थी, तो उसे देखने के लिए जो है देवता लोग इकट्ठे हो गए थे. और तब भागीरथ ने क्या किया था, अपने 60,000 पूर्वजों के लिए पवित्र संस्कार किए. ठीक है, 60,000 जो पूर्वज थे उनके, जो राग के थे ना, जिनको बताए थे पक्षी गरुण राज ने कि इसको आपको गंगा में धोना चाहिए करके, किनको बताए थे, अंशुमान को बताए थे, है ना. तो भागीरथ ने वही काम किया. देयर सोल्स गुड फाइनली गो टू हेवन, और उनकी आत्मा जो है कहाँ चली गई अंत में, फाइनली जो है वो स्वर्ग चली गई. ठीक है, डिलाइटेड समीर सेड अलाउड, जो है समीर है ना, डिलाइटेड समीर सेड अलाउड, सो बिकॉज द गंगा कम डाउन फ्रॉम हेवन इट इज बिलीव टू बी होली. तो क्या बोल रहे हैं, समीर ने जोर से कहा, इसलिए क्योंकि गंगा स्वर्ग से नीचे आई थी ऐसा माना जाता है, तो क्या इसीलिए उसको हम पवित्र नदी बोलते हैं गंगा को, ऐसा पूछा. ठीक है, इसीलिए यह पवित्र है क्या, गंगा जो है कहाँ से आई है, स्वर्ग से आई है, तो क्या वह इसीलिए पवित्र है. बट समीर स्टिल लुक्ड पजल एंड आस्क हिज ग्रैंड मदर. ठीक है, लेकिन समीर जो क्या है अभी भी हैरान था और अपनी दादी माँ से पूछा, इफ़ द गंगा इज होली देन वाई डू पीपुल मेक इट सो पॉल्यूटेड, शुड इट नॉट बी केप्ट क्लीन. ठीक है, ग्रैंड मदर को समीर पूछ रहा है कि गंगा, पहले तो समीर जो है चोर से चिल्ला के बोला, पूछा कि क्या बोलते हैं, जो गंगा है वो स्वर्ग से आई थी, क्या इसीलिए वो पवित्र नदी मानी जाती है. लेकिन समीर जो है क्या बोल रहे हैं, अभी भी जो है उसको क्या है, हैरानी है इस बात की. तो दादी से पूछ रहे हैं कि जब गंगा इतनी पवित्र नदी है, अगर गंगा इतनी पवित्र नदी है तो इसको लोग क्यों प्रदूषित करते हैं. ठीक है, इसको लोग प्रदूषित क्यों करते हैं, शुड इट नॉट बी केप्ट क्लीन, लोग इसे साफ क्यों नहीं रखते हैं, क्या इसे साफ नहीं रखना चाहिए, अगर ये गंगा पवित्र नदी है तो उसे क्यों खराब करते हैं, इसको साफ नहीं रखना चाहिए, कैसा करके वो अपनी दादी माँ से पूछ रहा है. स्माइलिंग अ लिटिल ग्रैंड मदर सेड, छोटी सी स्माइल के साथ जो है थोड़ा मुस्कुराते हुए जो है दादी क्या बोलती है, समीर दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये जो है तुम क्या बोल रहे हो, बहुत ठीक बोल रहे हो, तुम्हारा ये अच्छा सवाल है. ठीक है, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है. वाई डोंट यू आस्क दिस क्वेश्चन टू यूअर क्लासमेट्स एंड फाइंड आउट, क्यों नहीं तुम इसको क्या है अपने क्लासमेट से पूछते इस क्वेश्चन को, और इसके बारे में जो है गंगा की स्वच्छता के बारे में लोगों को पूछते या जागरूक करते. ठीक है, क्लासमेट को फाइंड आउट करते, एंड आल्सो फाइंड आउट द वेज टू अवेयर पीपल अबाउट द क्लीन लाइन्स ऑफ गंगा, और इसके लिए क्या करते तुम कि गंगा की स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करने के भी तरीके जो है खोजते. ठीक है, फाइंड आउट द वेज टू अवेयर पीपल अबाउट द क्लीननेस ऑफ गंगा. ओके, आ गया समझ में आपको, गंगा को जो है भागीरथ ने धरती पे लाया था, और गंगा जो है पवित्र नदी है ना. हमारे हिंदू धर्म में भी हम जानते हैं कि जब भी हमारे यहाँ किसी की डेथ होती है तो हम उसका अस्थि प्रवाहित करने के लिए गंगा जाते हैं, इलाहाबाद लेके जाते हैं ना. आप लोग को पता होगा, या अपने घर पे आप लोग इसको कंफर्म करिएगा कि क्या ऐसा हमारे यहाँ होता है. यहाँ हिंदू धर्म में जो भी है तो हिंदू धर्म के लोगों के यहाँ ऐसा होता ही है. ठीक है, सो आई होप आपको ये लेसन जो है समझ में आ गया होगा. हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अब इससे
रिलेटेड आंसर क्वेश्चन और जो भी दिया गया है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये सब हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे. ओके, थैंक यू.